गाइज वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ करण एंड सुरभि'स वेडिंग। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं हल्दी के लिए। सुबह 4 बजे तक हम संगीत पे नाच जो रहे थे इसीलिए, बट फटाफट तैयार होके हम आ गए हैं और ये देखिए दूल्हे राजा हमें बुला रहे हैं। ये करण के पेरेंट्स हैं। लेट होने के चक्कर में मैंने सुरभि का चूड़ा सेरेमनी भी मिस किया था एंड अभी करण के साइड से हम लोग जा रहे हैं। लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग गोवा में आ गए हैं एंड वी हैड लाइव म्यूजिक जहाँ पे लड़कों ने बहुत इन्जॉय भी किया। हमारी प्यारी जिया जी ने साहिब के साथ एक जुगलबंदी भी की और बहुत ही मजा कराया सबको। फुल क्रिसेंडो बन चुका था, सब ऐसे आ गए थे जैसे पता नहीं कोई लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है जिया जी का एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड। सब बहुत चिल कर रहे थे। लाइव सेशन खत्म होते ही हम चले गए कोकोनट वाटर कॉर्नर पे। बड़ा ही क्यूट सा सेटअप लगा हुआ था जहाँ पे हम सेल्फीज भी खींच सकते थे और चिल कर सकते थे विद कोकोनट वाटर। ये देखिए मानसी और जिया जी डिस्कस कर रहे हैं आगे का क्या कॉन्टेंट करना है। क्यूट मानसी दीदी और जिया जी का फोटोशूट चल रहा था। भारती हमारी सोलो चिल कर रही थी जब तक हमारा कंटेंट शूट हो रहा था। कंटेंट डिस्कस हो रहा है। ओ, मैं कल वाली वीडियो भारती घूम रही है। फिर बारी थी मेरे फोटोशूट की। मेरा कंटेंट शूट करने का वक्त आ गया था। हम सभी सनी ह्यूज में थे, मानसी डायरेक्ट कर रही थी। देन आई शॉट मानसी। यूजुअली मेरे शॉर्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं लेकिन ये कुछ कंटेंट का हिस्सा था जहाँ पे हम सबको डांस स्टेप्स करने थे। नेवर केम आउट। व्हाट? एनीवे इट वाज टाइम फॉर करण एंड सुरभि'स एंट्री एंड हियर दे कम फुल ऑन। सुरभि एज यूजुअल अपनी एनर्जी में हाई थी, इतनी सुंदर लग रही थी एंड करण वाज मैचिंग अप टू हर एनर्जी वेरी वेल। दे आर जस्ट मेंट फॉर ईच अदर। चुके थे, बैठ चुके थे और शुरू होने वाली थी हल्दी सेरेमनी विद गेम्स। मेरी जो ब्राइड्समेड्स की टीम है उसमें से एक लड़की होनी चाहिए टू कंप्लीट दिस ग्रुप। गॉड, हम में से किसी का नाम आने वाला है। तुम मुझे बताओ। सो हमारी तरफ से स्वाति गई सिंस शी वाज द ओनली वन इन सलवार सूट। ये हो गए करण और सुरभि के टीम्स। सो गाइस, टीम बनने के बाद गेम में जो चीज़ स्पेसिफिकली लाने को बोले वो हर टीम को लाके बैठ जाना होता है। वो कोई चीज़ हो सकती है और कुछ भी। पर्स, लेडीज पर्स लाने के लिए कहा था सबसे पहले। दिस इज आर वेरी ओन संजय जीज़। वो सब कुछ मॉनिटर भी कर रहे थे और लड़ भी रहे थे। जो बंदा चीज ना ला पाए उसको हम आउट कर देते थे। तो फिर इस बार मासी आउट। मासी। बैठने के लिए बोला जीजू, नीचे बैठ गए।
चिक्की एंड अंकल वो वर्किंग ऑन इट. ये देखिए निकल रहा है एटीएम कार्ड और ये गया जीजी के पास. सारे पति यूपीए से कोई एक बंदा इंडिया में आ गया, मतलब हमें अगर कुछ चाहिए तो हम बाय नहीं कर सकते क्योंकि सब मैनेजर है. विदाउट वॉलेट सुरभि के पापा इतने एक्साइटेड हैं, अच्छे लोगों से लेकर आ गए ये ले यूजलेस फेलोस. फाइनली कौन जीता पता नहीं क्योंकि भाई हमारे पास और भी तो काम है, हम ब्राइड्समेड्स हैं, हम घड़ौली के लिए चले गए. It was time to go back and check on the scores, guys. हम लोग वापस जा रहे थे घड़ौली, हम घूम के ले आए थे and now we wanted to check the score. अब बारी थी हल्दी सेरेमनी शुरू होने की and अब हम सब बारी बारी जाने वाले थे उसे हल्दी लगाने के लिए. ये देखिए हम गए और पहले तो हमने खूब डांस किया, शोर शराबा किया और फिर हल्दी लगाई. बाद हल्दी सेरेमनी खत्म हो चुकी थी. वी हैड स्पेशल परफॉर्मेंस बाय साहेब एंड अगर आप लोग गौर से देखें तो जनाब रोलर स्केट्स पे परकशन बजा रहे थे एंड हम सबको अपनी धुन पे नचा रहे थे, बहुत ही मज़ा आया. बस इसके बाद हम सबको चलना था अपने अपने कमरों में. सुरभि भी नीचे आ चुकी थी, उसे भी जाना था नहाने. फिर हम निकल पड़े अपनी पेट पूजा करने के लिए. ये देखिए This is the cutest stall that we've seen, guys. ये देखो क्या बनता है यहाँ, क्या बनता है यहाँ. आ रहे हो लाइव कोल्ड स्टोन संडे, गुलकंद और पान का पत्ता. वाओ, मैंने साउंड ऑफ नहीं करी ताकि आप लोग देख सके कितनी हवा चल रही थी, इतना सुहाना मौसम था कि बता नहीं सकती मैं. जी खाना राजमा चावल. ये थी दोस्तों पेट पूजा की बातें. हमने बहुत खूबसूरत खाना खाया, बहुत ही क्यूट क्यूट आइसक्रीम्स खाए एंड अब बारी थी शादी के लिए तैयार होने की. तो ये था हमारा फाइनल शॉट विद सुरभि एंड करण क्योंकि उन्हें जाना था नहाने और तैयार होने. गाइज आई होप यू एंजॉय दिस पार्ट टू. नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिएगा. टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय.